आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्ट्रीट फूड रेसिपी बनाएंगे। आज हम चीज़ कॉर्न डॉग बनाएंगे, जो कोरिया की बहुत फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, बहुत डिलीशियस बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, हम अपनी रेसिपी को। देखिए मैंने एक एग लिया है, इसको हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम इसकी डो बना लेंगे, जिसको हम ऊपर कोट करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बीट कर लूँगी। क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है और फुल ऑफ चीज़ होती है। देखें 30 ग्राम मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, 4 ग्राम इसमें ईस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और 150 ग्राम इसके अंदर मैं ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसके अंदर 50 ग्राम्स राइस फ्लावर यूज़ किया है। इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसमें लूक वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि ईस्ट जो है वो हमारा खमीर फूल जाएगा तो डो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नरम डो बनती है, बहुत ज़्यादा ये सख्त नहीं बनाएंगे। इसको हम इसी तरह बनाएंगे क्योंकि इसको हम कोट करेंगे। सॉफ्ट सी डो बना के इसको हम अभी राइस होने रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब ये हमारी डो तैयार हो जाएगी फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बच्चों को दें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, टेस्ट में इतने मज़े के होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मैंने इसको सब मिक्स कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। हमने उसको राइस होने रख दिया है, इतनी देर में हम थोड़े से आलू काट लेते हैं क्योंकि हम इसको भी लगाएंगे ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाएंगे। वैसे तो एक्चुअल जो होती है वो ब्रेड क्रम लगे होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़े से पोटैटोज जो हैं वो लगा देंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बारीक बारीक काट लेंगे इसको। आप बना के फ्रीज कर लें और जब बच्चों को देना हो उसको आप बना सकते हैं आराम से। इसको पूरा तैयार करके आप फ्रीज करके रख लें, जब भी देना हो तो, या कोई इसने आ रहे हैं मेहमान आ रहे हो तो आप स्नैक्स के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का, और स्पेशली बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ब्लांच कर लेंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए। कर लिया। अब ये सॉसेजेस देखें, चिकन के सॉसेजेस लिए हैं मैंने, इसको भी हम जो है बॉइल कर लेंगे थोड़े से। ये देखिए इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, ठंडे हो गए हमारे आलू, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करके कोट करके और रख देंगे इसको। कुछ सॉसेजेस मैं इस तरह से बीच से काट लेती हूँ, कुछ हम पूरे ऐसे ही लगा देंगे इसके अंदर। हमारे हो जाएंगे, देखें ब्रेड क्रम निकाल लेते हैं, थोड़े से कोटिंग करेंगे हम इसके फ्राइंग के लिए। थोड़ा सा ये मैंने मैगी नूडल लिया है, इसको भी थोड़ा सा हम लगाएंगे ऊपर, क्रिस्पी हो जाएंगे और थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इसको थोड़े से तोड़ लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक इसको।
आपको लेंथ में जरूरत हो उतने आप उस हिसाब से अपने काट लें जितने आपके। शौक से खाते हैं इस तरह से पोटैटो हल्के हल्के लगा देंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे इस तरह से और उसके बाद इसके ऊपर बाकी हम ब्रेड क्रम लगा देंगे इस तरह से। ब्रेड क्रम आप अच्छे से लगाएं ताकि इसकी कोटिंग निकले नहीं। ऊपर ब्रेड क्रम स्प्रेड कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को एटलीस्ट 3 to 5 मिनट वॉच करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। देखें कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से चीज़ कॉर्न डॉग बन के हमारे तैयार हो चुके हैं और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।